बहुत गलत दोस्तों बोले आप। कोई देखे ये है बात एस ऑर्बिटल, ये भी है दोस्तों एस ऑर्बिटल, ध्यान से सुनना है इसको। नहीं। मैं ये फेज को दिखाने के लिए प्लस दिखा रहा हूं, ये न्यूक्लियस को दिखाने के लिए मैं नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि एमओटी में कौन ऐड होता है, वेव, कौन जुड़ता है, वेव्स। ठीक है, तो मैं एस को क्या मैं पी के साथ ऐड नहीं कर सकता, अमरुनाली? क्या इतना अधिकार है हमारे पास? हाँ है बोलोगे आपके हाँ, पास बिल्कुल अधिकार। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो प्लस को प्लस के साथ जोड़ेंगे तो तुम बोलोगी तब तो ये इन फेज एडिशन होगा। क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्यों भाई? देखो ना, प्लस को प्लस के साथ यानी एक डायरेक्शन वाले को जोड़ रहे हैं ना, तो मैं ऐड ऐड बस लिख देता हूँ, एडी, है ना, एडी कर रहे हैं। तो क्या हो रहा भाई यहाँ पे? ये कुछ यूं होगा, ये हो गया यस, सॉरी एस, और ये हो गया यहाँ पे पी का छोटा सा पूंछ। ठीक है, जो ये नेगेटिव वाला है और ये है पॉजिटिव वाले, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव जुड़ेगा तो लंबा हो जाएगा, मैंने बताया था ना, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो आपस में जुड़ के काफी बड़ा हो जाएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे? तो ये प्लस जुड़ के देखो इतना बड़ा हो गया, आया ना, और नेगेटिव वाला छोटा हो जाएगा, आया ना, बोल लो भाई हाँ बोल सर। लो। जी, हाँ तो क्या ये बॉन्ड सीधा ऐसे बन रहा? तुम बोलोगे जी बिल्कुल बन रहा है ऐसा। अगर ये बॉन्ड सीधा ऐसा बन रहा है तो मुझे एक बात बताना, पी जेड किस तरह का बॉन्ड बनाता था? तुम बोलोगे सर पी जेड तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाता था, और पी एक्स सिग्मा और पी वाई लैटरल ओवरलैपिंग की वजह से पाई बॉन्ड बनाता था। याद आ रहा है तुम लोगों को? ये हमने बाई कन्वेंशन सर। माना था, क्योंकि आईयूपीएससी ने हमको जबरदस्ती बोला कि भाई मान तू कि पी जेड ही बनाता है, तो हमने मान लिया था। याद आ रहा? बोलोगे हाँ सही बात है। तो क्या यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना है? तुम बोलोगे यस। यहाँ पे है ये एस और यहाँ पे है पी जेड। अब हो सकता है 2p हो सकता है, 1s हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? तो जनरली ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में लिखवाया था कि सेम सिमेट्री वाले और सेम सेल वाले या सेम एनर्जी लेवल वाले मिलते हैं। अगर ये 2p है तो इसको भी 2s होना पड़ेगा, अगर ये 1s है तो इसको भी 1p, 1p तो खैर नहीं होता, 3s है तो इसको भी 3p होना पड़ेगा, ऐसा कुछ बताए थे कि नहीं बताए थे? तो यस, ये बताए टू थे। एस है तो 2p के साथ ही मिलेगा। तो मुझे ये बताओ क्या ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो मैं सिग्मा SPZ लिख सकता हूँ क्या? तुम बोलोगे हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसा हो गया? बॉन्डिंग मॉली, एक सेकंड, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इस चीज को तुम जरा YouTube पे भी पढ़ के देख लेना, अगर इससे कम और इसके लेवल का पढ़ा दिया तो बताना, फिर समझ में तो खैर नहीं आएगा। अब देखो, अब मैं फिर से वेव जोड़ने जा रहा हूं, मैं ऑर्बिटल्स का मिक्सिंग नहीं करता हूँ, मैं यहाँ ऑर्बिटल्स नहीं जोड़ रहा हूँ, क्योंकि ऑर्बिटल्स जोड़ेंगे तो फिर कहानी तो थोड़ा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव ले लें, क्योंकि अब नेगेटिव पॉजिटिव के साथ आ रहा है, देखो ना, नेगेटिव पॉजिटिव के साथ, तो ये कैसा हो जाएगा? आउट फेज कैसा हो जाएगा दोस्तों? आउट फेज एडिशन होगा कि नहीं होगा भाई? हाँ होगा होगा। डिस्कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रक्टिव तो एक तो प्लस नेगेटिव वाला होगा। थोड़ा सा इधर बच जाएगा, हाँ या ना, प्लस वाला, माइनस वाला छोटा सा इधर बचेगा, और प्लस वाला इधर ज्यादा सा बच जाएगा। यानी अपने को देखा जाए तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी है जीरो है, ये क्या है? जीरो। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ मिलेगा ही नहीं इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में, तो क्या मैं इसे प्यार से नोडल प्लेन बुला सकता हूँ? तो तुम बोलोगे हाँ बुला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नोडल प्लेन। अब यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है दोस्तों, ये क्या बन रहा है? ये बॉन्ड, ये अभी भी सिग्मा बन रहा है, लेकिन किसकी वजह से? एंटी बॉन्डिंग की वजह से। तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल को हम स्टार से दिखाते हैं, तो सिग्मा स्टार एस पी जेड, क्या लिखेंगे? सिग्मा स्टार एस पी जेड। अच्छा एक बात मुझे बताओ, किसका एनर्जी ज्यादा होगा? तुम बोलोगे एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज्यादा होगा और ये अनस्टेबल होगा, जबकि इसका एनर्जी कम होगा और ये क्या होगा? स्टेबल होगा, आया ना, क्योंकि यहाँ न्यूक्लियस आमने सामने आ जाएंगे तो एक दूसरे का खून करने के लिए उतारू हो जाएंगे, जैसे मृणाली और ममता कभी आमने सामने आ जाए तो एक दूसरे का खून करने के लिए रेडी हो जाएगी, वैसा ही कुछ। ठीक अभी है, हम साथ साथ ही है। तो हेलमेट वेलमेट लगा के बैठे हो गए इस वजह से, देख नहीं रहे? नहीं अच्छा सर, हेलमेट की इधर देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं, एमओडी किसको बोल रहे हो भाई, किसको बोल रहे हो? होता, इसी को वो तरी अपने आप को इसी को आईने तो में अच्छा देख के बोल रहा किसी को तो बोल रहा था सर।
वैष्णवी को सर, वो उसकी उसको वैष्णवी की याद आ नहीं रही नहीं है अभी, नहीं क्लास में नहीं है ना नहीं सर, अपने वो आप को आईने में देख लिया उसको याद आ गया। ए कि वो गप्पे मोटा भाई, मोटी गप्पू है, इधर मोटा पढ़ाई कर नहीं है। लो, इधर देखो दोस्तों, अब हम पीजेड पीजेड का बनाते हैं, क्या पी का यही सेप होता है? तुम बोलोगे जी बिल्कुल, पी का यही सेप होता है। क्यों भाई? तो अगर हम कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं इंटरफेरेंस, तो क्या प्लस को प्लस से या फिर माइनस को माइनस से मिलाना पड़ेगा? बोलोगे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं प्लस को प्लस से मिला देता हूँ, है ना, और यहाँ प्लस को माइनस से मिला देता हूँ, क्या कहते हो? हाँ सर, ये वेव्स आपस में जुड़ रहे हैं, तो ये कुछ यूं हो गया और ये कुछ यूं हो गया। तो जब यूं हो जाएगा तो क्या होगा भाई? प्लस प्लस आपस में बहुत आपस में जुड़ के ऐसा कुछ हो जाएगा, और माइनस थोड़ा छोटा छोटा यहाँ पूंछ पकड़ के बीच लटका रहेगा। में बोलो भाई। बड़ा वड़ा नहीं, इट्स नॉट वड़ा, इट्स बड़ा वड़ा, सर, बड़ा वड़ा पाव, ठीक है। और यहाँ है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और माइटल, ये किस किस के बीच में बना है? तुम बोलोगे पीजेड और पीजेड के बीच में, तो पीजेड। क्या ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा? तुम बोलोगे हाँ, पीजेड में तो सिग्मा ही बनता है, याद आ रहा है सबको, पीजेड में तो सिग्मा ही बनता है, तो क्या मैं सिग्मा पीजेड लिख दूं क्या? बोलोगे हाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लिख अब मैं इसका भी कर दो लूं, आओ इसका भी कर लो, अगर इसका जल्दी। बनाएंगे तो कुछ यूं हो जाएगा, तुम बोलोगे हाँ पीछे की तरफ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ जाएगा, आगे कम हो जाएगा। ग्राफ याद है ना, अभी अभी दिखाए थे, तो यहाँ हाँ प्लस सर, और यहाँ नेगेटिव, तो यहाँ प्लस माइनस तो यहाँ नेगेटिव, लेकिन माइनस फ्रेंड्स, लेकिन फ्रेंड्स अभी भी यहाँ पर क्या है, ऐसे 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 बॉन्ड बन रहा है, और इस बॉन्ड को भी क्या कहते हैं, सिग्मा स्टार। स्टार इसलिए क्योंकि ये स्टार एंटी बॉन्डिंग है, ये क्या है, एबीएम, पीजेड। तो इसको अलग तरीके से दिखाते हैं, सिग्मा स्टार पीजेड बोलेंगे, क्योंकि अभी भी पीजेड पीजेड ही है ना, अभी भी क्या है, पीजेड पीजेड, और इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी इस बीच में क्या है दोस्तों, जीरो, क्या है, जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, नोडल प्लेन, क्या हो जाएगा दोस्तों, नोडल प्लेन। ममता नहीं समझ में आ रहा है क्या, बाउंस जा रहा है तुम्हारे माथे से, क्या क्यों भाई बाव बाव क्यों कर रहे हो, आगे आओ। हाँ है तो भागो भी करेगा। क्या हुआ भाई, क्या हो गया ओंकार को, क्यों भाई ऐसे क्यों हंस रहे हो, आर्यन ने सर वो क्या फिर से हुआ भाग सर, भागना क्यों भाई चला भाव भाव क्यों गया। कर नहीं रहे नहीं थे तुम चूहे सर, की भाव तरह। भाव नहीं, हाँ बोला, हाँ हाँ बोला, वो मामा जा रहा था वो दरवाजा देख लगा लिया के, नहीं बोला इसलिए। ओ, तुमसे तो गधे की तरह काम करवाना चाहिए, वो कुत्ते की तरह क्यों करवाते हैं ये समझ में नहीं आ रहा। मैंने कुछ भी नहीं अब काम किया, आज सिर्फ बर्तन उनको पता धुलूंगा चल मायने गया को। होगा, कुत्ते की तरह मार खाया है तो कुत्ते की तरह काम करवाते ए चेन नगब की हैं ये सुन सुन के मतलब हम काफी आनंदित हो उठते हैं मेरा रोम रोम प्रस्फुटित हो उठता है, मतलब इतना खुश हो जाते हैं कि चलो कम से कम हमारे क्लास में कोई तो है जो कुत्ते की मौत मर के आया। सर, हाँ, अलग ही गाय। वो आखिरी आर्यन झूठ क्वेश्चन बोल रहा है देखिए, सर। भैंसो बोलो आ गई, भैंसो आ गई सर। बैसो, व्हाट यू अप टू, देखो व्हाट यू वर अप आपसे टू। तो ओंकार ही मिस कर रहा था भैंसो को। अच्छा ए ए ए काय काय नो क्या क्या अमरुण वाली, तू काय 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 मना लीस, ए वैष्णवी म्हणली पागल। क्या हो गया कुछ नहीं, कुछ नहीं सर, बहुत मुझे बड़ा तो मत कान में कुछ कर दिया। खराबी आ गई है। वो ममता बोल रही है आपसे ज्यादा ओमकार ने भैंसू को याद किया। सबसे पहली बात हम तो याद ही नहीं कर रहे थे, हम तो इधर ड्रॉ कर रहे हैं ना, सो डोंट गो ओमकार फॉर को याद आ रही थी कंपैरेटिव एनालिसिस, इधर आओ दोस्तों देख लो, और वैसे भी हम लोग तो दोस्त है ना ममता, तुम तो जानती हो, इधर देखो प्लस माइनस माइनस कौन प्लस, सर और वैष्णवी आप दोस्त है क्या? भैंसू तो के दोस्त है ना ओंकार सर। हाँ, इधर आओ देखो, सर, लेकिन ओमकार आपको नहीं कुछ है सीग्रेट्स नहीं पता। देखो क्या, सिगरेट नहीं पता, अरे सब कंपनी का पता है, सर, कौन से कंपनी का चाहिए बोलो सिगरेट्स सर ओह माय गॉड, सर
वो सर वो काम वैष्णवी रुना जी की ये का है, आदत कैसे आप लग मत गई सर? छीनो। ओमकार की वजह से लग गई सर ये आदत वैष्णवी को। मुझे सारे कंपनी का छीना है सिगरेट मला पता है कुछ भाई। नहीं था क्या आदत नहीं सर, ब्रांड सप्लाई करना वो मृणाली का काम है। तो ये बोल रही नहीं है कि सर, अब मुझ आर्यन का है, अब मैंने उस काम से रिटायरमेंट ले ली। ये और तो बहुत वैष्णवी गलत हो कौन, गया सर, ममता के वैसे साथ। वैष्णवी वैष्णवी लेकिन वैसे वैष्णवी कौन से सिगरेट का बात कर रही थी ये तो पूछो। सर वो सिक्रेट बोल रही थी। नहीं नहीं कौन सा सिगरेट वो भाई पता है वैष्णवी, हमको, उसी हम लोगों को भी बताओ, हम को लोग भी पता, राहों में दो करे। जनों को पता है सर, किसको भाई? दो जनों को पता है सर, दो जन कौन है यहाँ पे? जन तो एक हम दो हैं, देखिए एक आर्यन है और एक योगेश है। जन तो तीन ही लोग हैं, सर मैं भी बाकी तो हूँ जन बाकी गेस्ट तो जन नहीं है। कर आर्यन मुझे ओंकार मुझे वही होगा वो तो सर। कपसे क्या लड़कियों में, सर क्या बेइज्जती कर रहे हो इसलिए तो अपने हम आप को देख के वो ए मोटी बोलता है, मोटा नहीं। सही बात बोल रहे हैं, सही पहली बोल बार तो भी मोटा नहीं है लो मोटा। सही। अच्छा तो मोटा मोटी है, नहीं है, अरे तू मोटी है बराबर ना, है ना, मतलब मोटी है, मोटी है, मोटीपन मोटी। नहीं मोटापन नहीं, तुम बहुत हाँ मोटे दोस्तों हो। एक बार इधर ऑस्ट्रेलिया देख लो, उसके बाद फिर से अपना कंटिन्यू कर लेंगे मस्ती। इधर देख लो मैं बोल रहा हूँ, कैसा एक सेकंड इधर देखो, इधर देखो मैं बोल रहा हूँ, जब प्लस वाला प्लस के साथ ऐड होगा तो क्या इसका डेंसिटी यहाँ पे बहुत बढ़ जाएगा? बोलोगे यस। तो ये ऊपर प्लस आपस में जुड़ गए रहा और यहाँ माइनस माइनस आपस में जुड़ के बहुत ज्यादा हो गया, बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नो। अब मुझे बताना, जब यहाँ पे आउट फेज एडिशन होगा है तो क्या तू? ये पीछे की तरफ चले जाएंगे? देखो ये पीछे आ गए और ये भी पीछे आ गए, हाँ ये भी पीछे, ये भी पीछे आ गए, बीच में तो नहीं आना? बोलोगे नहीं बिल्कुल नहीं है। तो ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, ये प्लस, सॉरी ये माइनस वाला, अरे यार ये माइनस वाला है और ये प्लस वाला है। तो अब मुझे बताना क्या इसके बीच में यहाँ इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कुछ है? तुम बोलोगे नहीं, यहाँ तो कोई क्यों प्रोबेबिलिटी नहीं है। नहीं है भाई, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर है नीचे है, दिख रहा है ना? ये क्लाउड ऊपर, ये क्लाउड ऊपर, ये क्लाउड नीचे, ये क्लाउड नीचे, तो यहाँ और यहाँ बीच में तो कुछ है ही नहीं। तो क्या ये हाँ एक हाँ नोडल प्लेन नहीं हो सकता? यस दिस इज अ नोडल प्लेन। ये हो क्या है? सकता है नोडल नोडल प्लेन। और हम जानते हैं, प्लेन। और हम जानते हैं जब भी लैटरल ओवरलैपिंग होता है, यानी कुछ ऐसे इधर आया और कोई इधर से आया और ऐसे बीच में ओवरलैपिंग होता है, तो वो कैसा होता है? पाई बॉन्ड। और वैसे भी हम जानते हैं पीएक्स पीएक्स क्या बनाता है? पाई बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता है? कई बार बोले थे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोले थे, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। तो सर आ रहा है ये बनाएगा पाई बॉन्ड। ये क्या बनाएगा दोस्तों? पाई, पाई बॉन्ड बना रहे हैं किस किस के बीच में? पीएक्स 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 के बीच में। तो हम क्या लिखेंगे? पाई पीएक्स। क्या लिखेंगे? पाई पीएक्स। और ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हम जानते हैं जब ये प्लस माइनस के साथ जुड़ेगा तो ये पीछे और ये आगे, मतलब ये इधर पीछे आएगा, ये पीछे आएगा। तो देखो ये दोनों पीछे भाग गए ना, एंटी बॉन्डिंग में पीछे ही इलेक्ट्रॉन का क्लाउड रहता है, पीछे है। लेकिन बीच में अभी भी नहीं है क्लाउड। देखो बीच में अभी भी क्लाउड नहीं है, पहले भी नहीं था, पहले भी नहीं था, अब भी नहीं है, और बीच में इधर भी नहीं है। तो इसमें कितने क्लाउड, इसमें कितने हो गए दोस्तों? इसमें हो गए हैं हमारे पास दो दो नोडल प्लेन। कितने प्लेन हो गए? दो दो नोडल प्लेन हो गए। बोलो कोई दिक्कत? नहीं कोई नहीं सर सर दिक्कत वैष्णवी वाली बात नहीं, चैटिंग कर रही है जूम पे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख उसको रहा हूं। जरा तुम लोग बताओ तो ना। इधर देख लो भाई, अपना वो बर्बाद मत करो अभी समय। देखो मस्ती मैं भी करता हूँ कि नहीं करता हूँ, बट अभी पढ़ने वाला है, पढ़ लो। तो देखो ये भी पाई बॉन्ड ही बनेगा ना, ये भी पाई बॉन्ड ही बनेगा। तो ये पाई बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग में बन रहा, तो इसे क्या कहेंगे? पाई स्टार। क्या कहेंगे? पाई स्टार। क्या कहेंगे? स्टार पाई स्टार पीएक्स। क्या कहेंगे? पाई पाई स्टार स्टार पीएक्स। पीएक्स और ये पाई एंटी स्टार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एबीएमओ। क्या कहते हैं इसको? एबीएमओ। बोलो कोई दिक्कत? एबीएमओ तुम बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं, इतने से अपना काम चल जाएगा, इतने से अपना काम चल जाता है। एक और है, थोड़ा सा कहानी बस सुना देते हैं, रुको क्योंकि रुको एनसीईआरटी रुको ना सर। जल्दी हाँ हो ही रहा है, क्विक जल्दी जल्दी क्विक। इसके ही अलावा हो रहा इस, है, हाँ क्यूक नहीं बोले, हो क्विक गया बोले, टेडी क्विक। हो गया कोई नहीं, चंपू टाइप के लोग रहते हैं क्लास में तो अच्छा लगता है, जैसे वैष्णवी हुई, ओमकार हुआ, अच्छा लगता क्या सर क्यों है। बेइज्जती कर रहे हो? आपका ग्रामर वीक है शायद। अच्छा हाँ,
रहती है तो अच्छा लगता है। बोलो हाँ बोलो, सही तृप्त है, हो गया एग्जैक्टली आत्मा, बोलो। एकदम एकदम ज्यादा तृप्त हो गया सर। सर आगे फ्रेंड्स एंट्री मैं कर कुछ, ले। फ्रेंड्स मैं कुछ बना रहा हूँ, दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ यस यस, सनफ्लावर फूल है क्या? देखते जाओ ना। पुष्पा पागल हो गया नाम ये, सुन के फ्लावर मत चार समझो, है ना, फायर है ये, फायर। फायर है, ओके ओके फायर है। ओके पुष्पा, ओके पुष्पा को ओके, हम नहीं जानते सर, अभी जान जाओगे, हाथों हाथ जान जाओ, इतने कलर्स क्यों चेंज कर रहे हो उसमें? जानबूझ के। इसके पीछे कुछ रहस्य छुपा हुआ है, समझ रही हो? हम भी बेटर करें क्या से कुछ सर? वो बताओगे मूर्ख तब बालक यहाँ समझ। पे बैठे हैं ना क्लास में, तो उनको समझ ही नहीं आएगा चल क्या रहा मामला। ममता जैसे हाँ नहीं, तेरे तो जैसे इसीलिए, हाँ तो इसीलिए ये करना नहीं, पड़ रहा है। तेरी सी, हाँ तेरी जैसी। डबल फ्रेंड्स फ्रेंड्स बैटरी, आज दो को दुकान है कैन लोग यू, आज। डबल बैटरी फ्रेंड्स कैन यू सी दिस? तुम बोलोगे यस आई कैन सी दिस। अब ध्यान से सुनते यस। जाना, मैं बोल रहा हूं ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्या है ये दोस्तों? डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तुम बोलोगे हाँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐसे होता है, ऐसे कुछ का है ना, एक्स वाई प्लेन में होता है, हाँ या ना? बोलो बोलो। तो हाँ सर, हाँ सर, यहाँ पे किसका कॉम्बिनेशन है पता है? दीदी का कॉम्बिनेशन है। किसका? डीडी का कॉम्बिनेशन, डी डी का डी कॉम्बिनेशन। यस, इसे कहते हैं दीदी कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? दीदी कॉम्बिनेशन, डी आगे भैया कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन और भाभी कॉम्बिनेशन। और भाभी कॉम्बिनेशन। इस दीदी कॉम्बिनेशन की वजह से डेल्टा बॉन्ड बनता है। तुम बोलोगे अरे गजब का, ये कब कब बॉन्ड है ना? तो डेल्टा बॉन्ड का बस थोड़ा सा जिक्र करके एनसीईआरटी निकल गया है। कितना किया? थोड़ा जिक्र, इसलिए हम पूरा बता दिया। बोलो कोई दिक्कत? अब ये बनता कैसे है ये बॉन्ड, ये सुनो, ये बॉन्ड बनता कैसे है वो जरा सुन लो। क्या डी एक्स स्क्वायर, इधर मैं लिखता हूँ, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है ना, और ये किस किस के बीच में हो रहा? अरे यहाँ पे काहे लिख दिया, गजब आदमी हम, गजब टोपी। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लगता है आर्यन समझ गया है ना, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, गया डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक बार सुन लो, मैं ये बोल रहा हूं अगर ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है, और ये प्लस है, सॉरी उल्टा ही कर दिया, उल्टा उल्टा, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और ये भी प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, और मैं बोल रहा हूँ प्लस प्लस के साथ ऐड होगा, माइनस माइनस के साथ ऐड होगा, प्लस प्लस के साथ, माइनस माइनस के साथ, तो तुम बोलोगे वो हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, हाँ या ना? क्या होगा? इन फेज हाँ एडिशन। क्या हो जाएगा? इन फेज एडिशन, हाँ या ना? और अगर माइनस 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 प्लस के साथ जुड़ता है और प्लस माइनस के साथ यानी उल्टा होता है तो क्या बोलोगे? तुम बोलोगे उस केस में होता है वो एंटी बॉन्डिंग। क्या होगा? एंटी बॉन्डिंग होगा कि नहीं होगा? बोलोगे यस बिल्कुल होगा। बोलो बोलो, सर, इस प्लस को यस इसके साथ जोड़ दो। सर। माजी मम्मी भारी दिक्कत होती ना। हो टाइप मत करो, मुंह से बोल भी लो। देखो ये ऐसे जुड़ा हुआ है, दिख रहा है ये वो कैसे तो जुड़ा हुआ है? ये ऐसे जुड़ा हुआ है, और इसमें बस क्या करना है अपने को, सर, आप इसमें को अपने को क्या करना है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कर देना है, एक बार इन फेज एडिशन, एक बार आउट फेज, जो कि अपने सिलेबस में नहीं है, बस नाम के लिए बता दिया। डेल्टा बॉन्ड नाम का भी कोई चीज होता है। बोलो समझ में आया? जो किस किस के बीच में होता है, डी एक्स स्क्वायर हमने वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। बोलो योगेश दादा समझ में आया? बस डेल्टा बॉन्ड नाम था इसीलिए बता दिया, और कुछ नहीं। सर लिख लिया। लिख लिए, बहुत अच्छी बात। ओके okay. अब एक और चीज है जो बताने वाली चीज तो है नहीं, बट फिर भी बता दो, इसे कहते लिखे हैं, क्या हाँ लिखने के लिए तो तब से लिख रहे हैं, मतलब खून जलाने वाला क्वेश्चन कर रहा है भाई, जलाना पड़ता सर थोड़ा थोड़ा, अब सर उसका ऐसा कब ना से हो, जलाया जा रहा है, तो ऐसा ना हो दूसरों का जला रहा है। उस आप खून, मेरा वो चला रहे सर सुनो सब, तो, आप सब वो जला रहे हैं। सुनो तो, उस जलाने का जलन कहीं तुमको ना फील हो जाए, समझ नहीं रहे नहीं हो? सर,
वो सर तो तुमको कुत्ते की मौत, कुत्ते का फील दे दिए थे मार मार के, कुत्ते की मौत मार के, हम गधे का फील देंगे तुमको, ठीक है? लाठी समझ रहे हो, गधे की मौत मार नहीं चाहिए सर मुझे। गधे की मौत मार के गधे वाला फील दे देंगे, क्या कहते हो, चाहिए क्या? नहीं गधे वाला फील नहीं तो ले रहा है, बस गधे की मौत वाला फील ले रहा है उसको। ओ ठीक है, ओंकार प्रबंध हो जाएंगे, टेंशन मतलब। ऐसा लड़का है भाई, आज मतलब अपना ओमकार बेइज्जती और जान बूझ ममता के बोल करवाता रहे है, हैं वो बोलता है सबको कि यार। प्लीज प्लीज मेरा बेइज्जती करो, क्या सर आदमी है मैंने थोड़ी भाई। बोला आप मेरी हाँ, बेइज्जती करो। ओमकार और ममता ये दोनों गिड़गिड़ाते हैं, भीख मांगते हैं सर। ए मलक आप मत ध्यान करे, तो उनका तो विषय चल रहा है ना। बहुत भोले हो सर, आपको आर्यन बुद्धू बनाकर चला जाता है। कहाँ जाता है, वो तो यहीं पे, वो तो यहीं पे देखो बैठा है। सर नहीं मुझे ऐसा यार, लगता है कि, मुझे अभी ऐसा लोग लगता है, जलते हैं, अब क्या बोले। अरे नहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो ओमकार को सच में कुत्ते की मौत मारा गया होगा। ये हम सर पूरा ऐसा पूरा लग रहा विश्वास है कर रहे सर, हैं। मारा नहीं, पीटा क्या? गया है हाँ पीटा गया सर, है। आप आपको तो लगता है वो वैसा हुआ नहीं है। अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना, पूछ लेता हूँ उसी सर से कि सर आप हाँ लोमर की पूछ मौत मारे लो। थे कुत्ते की या गधे की मौत मारे थे, पूछ लेते, ऑप्शन हाँ दे के ही सर, चलो। व्हाट्सएप मुझे पर छोड़ बताया दिया तो था सर सर आज जो, एक दिन। नहीं, हाँ वो योगेश अनूप भी कुछ सर बोल। बोलेंगे, आप जो जितनी मौत चाहे उतनी गिन लो, वो सब मारा है मैंने उसको। यानी सारे फ्लेवर ये टेस्ट कर चुका है, सही है भाई, सर लकी सुनो मैन। ना, रिकॉर्डिंग चल रही हाँ है। ये यूट्यूब पे नहीं हाँ डालेंगे, मतलब टेंशन, आगे मतलब के बच्चे ये जानते यूट्यूब नहीं पे होंगे क्या प्राइवेट करके कहता है। डालेंगे, ये पब्लिक के लिए नहीं है, क्योंकि इसका पूरा लेक्चर नहीं है, ना? रिकॉर्ड ही से ज्यादा तो सर बेइज्जती आपके आगे सही के है। स्टूडेंट्स सोचेंगे ना ओमकार के बारे में कि वो ऐसा लड़का था, हाँ लड़की तो यार इसलिए की, हाँ वो ऐसा तो लड़की रिकॉर्डिंग रखा है। जाएगा ना। मुझे ये बताओ इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, बोलोगे नहीं हो सकता। एक्स वाई के साथ कहाँ से कॉम्बाइन कर जाएगा, वाई जेड के साथ कहाँ, जेड डी एक्स वाई के साथ कहाँ, ये सब कॉम्बिनेशन पॉसिबल ही नहीं है भाई। एक्स अलग डायरेक्शन में है, वाई अलग डायरेक्शन में है, कहाँ से हो जाएगा? एक्स एक्स के साथ करेगा, वाई वाई के साथ, जेड जेड के साथ, है ना भाई? इंसान इंसान के साथ बात करेगा, गधा गधे के साथ बात करेगा, हाँ कि ना? हाँ है ना वैष्णवी चूहे के साथ बात करेगी, ओमकार कुत्तों के साथ बात करेगा, क्यों भाई ओमकार? मैं गलत बोल रहा हूँ? सर, हाँ सही बात ओमकार बोले ऑल अभी। इन वन जानवर है सर, किसी अच्छा भी ऑलराउंडर जानवर के साथ बात सर। कर हाँ सकता है। मैं आपसे बात हाँ कर रहे होता, ये मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ तो आप सब कौन हो गए? हम लोग तो अरे तुमसे तो बात ही सभी नहीं कर रहे, जानवर की एक प्रजाति है, वन लेकिन इन हम ऑल, लोग ऑल तो, हम लोग तो तुमसे बात ही नहीं कर रहे ना दोस्त। इन सर वन, ओमकार, वन सर इन ओमकार ऑल कुत्ता भी है, कुत्ती भी है, गधा भी है, गधी भी है। भाई, सही है भाई, ही इज अ लकी गाय। मैं बार बार बोलता हूँ ही इज अ लकी सर गाय, वो जाने सोचो दो, मैं इतना। हाँ, सही मैं कह रहे खुद हो को म्यूट ही सकता है कर सर, लेता हूँ, बात ही नहीं अरे करता। नहीं ओमकार तुम रहो, बस ये कहना चाहेंगे लास्ट में, छोड़ दो भाई ओमकार को, ओमकार को छोड़ दो, सुनो ओमकार के बारे में बस लास्ट बात ये कहना चाहेंगे कि वो इतने कम उम्र में इतना सारा अनुभव लेके बैठा है। ही इज अ जीनियस गाय एंड ही इज अ वेरी लकी गाय, ही इज अ वेरी लकी गाय, आपके इस बस सेंटेंस पे हम सब एग्री सहमत हो ना? एग्री करते हैं। यस ही इज अ वेरी लकी गाय। सर ये वीडियो हाँ आप मुझे शी भेजो, मैं इज इतनी अ अच्छी शी रील इज बना के नाउ, भेजूंगा ना। ठीक है बना देना। दोस्तों मैं ये अभी के लिए बंद कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी, मेरे पास 8 मिनट बचा, मैं फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा।